Namaste everyone. This is Simran Bajaj welcoming you to Abhyas Institute of Education. Today, let us start with the chapter Matter. ये NCERT का chapter number 1 है. इस chapter को हमने 5 parts में divide किया है. इस video में हम 3 topics cover करेंगे. सबसे पहला matter का मतलब cover करते हैं. इस universe में हर चीज किसी न किसी material से बनी है. उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर. प्लांट्स हो या एनिमल्स, पानी हो या खाना, सब मैटर है. इसको एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोला जाए तो मैटर वो है जिसका दोनों मास और वॉल्यूम हो. पुराने टाइम से ही ह्यूमन बीइंग्स अपनी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया था, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं. पंच मींस 5 एंड तत्व मींस एलिमेंट्स. कौन से हैं ये पंच तत्व? ये पांच तत्व हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, दैट इज वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल. According to early Indian philosophers, हर चीज, चाहे वो living हो या non-living, इन्हीं पांच elements से बनी होंगी. In fact, ancient Greek philosophers की भी कुछ ऐसी ही classification थी matter की. But, modern day scientists ने matter को दो basis पे classify किया है. पहला, on the basis of their physical properties, दूसरा, on the basis of their chemical nature. First, let's start with the physical nature of matter. इसमें ये question आपसे पूछा जाता है कि क्या matter particulate है nature में या continuous? पहले इन दोनों words का मतलब समझते हैं. Particulate मतलब वो substances जो further और particles में breakdown हो सकते हैं. लेकिन continuous मतलब वो जो further particles में breakdown नहीं हो सकते. अब इसका answer क्या है? इसका आंसर तो ये है कि मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर. लेट्स टेक अ 100 ml बीकर एंड फिल इट हाफ विद वाटर एंड उसके जो वाटर लेवल है उसे मार्क कर लीजिए कि कितना फिल है. उसके बाद कुछ चीनी या नमक को ग्लास रॉड या स्पून की हेल्प से मिला लीजिए और फिर पानी का लेवल ऑब्जर्व कीजिएगा. आप ये नोटिस करेंगे कि पानी का लेवल नहीं बड़ा होगा और चीनी या नमक के पार्टिकल्स ने पानी के जो पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस है वो ले ली होंगी. इससे क्या प्रूव होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से बने हुए हैं. दैट इज मैटर इज पर्टिकुलेट इन नेचर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पार्टिकल्स का साइज क्या है? इन पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है और तो और दे कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स एज वेल. लेट्स सी हाउ. हमने एक 100 ml ऑफ वाटर लिया एंड उसमें 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले पोटेशियम परमैंगनेट के. ये पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल सब्सटेंस है जो पानी में आसानी से डिसॉल्व होके एक पर्पल पिंकिश कलर प्रोवाइड करता है. अब मैंने इस कलर्ड बीकर से 10 ml वाटर निकाला और 90 ml क्लीन वाटर में डाल दिया. फिर वापस 10 ml सॉल्यूशन निकाला और 90 ml क्लीन वाटर में डाल दिया और 5 से 8 बारी 5 to 8 टाइम्स मैंने सॉल्यूशन को ऐसे ही डाइल्यूट किया, ज़्यादा क्लियर वाटर में डालती रही. तो आप बताइए पानी क्या अभी भी कलर्ड होगा? ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या शो कर पा रहा है? ये शो कर रहा है कि सिर्फ कुछ ही क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ने इतने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी कलर कर दिया. सो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? सिर्फ एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते रहते हैं. आप ये सेम एक्टिविटी 2 ml ऑफ डिटोल से भी कर सकते हैं और ये नोटिस करेंगे कि चाहे आप कितनी बार भी उसको पानी से डाइल्यूट कर दें, स्मेल एंड तक डिटेक्ट होती रहेगी
एंड तक आपको स्मेल फील होगी. एंड रिमेम्बर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, आपकी इमेजिनेशन से भी छोटे हैं. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.